Hey everyone, welcome back to my channel. This is Sakshi Bhunjal और हम जा रहे हैं आज कोकरणा से अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर. फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी दैट डेस्टिनेशन होल्ड अ वेरी मतलब जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं. मतलब यू नो बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए आए हैं एंड हम गोकर्णा रुके थे, ब्रेक लिया था. पर गोकर्णा बहुत खूबसूरत है. आपको लास्ट ब्लॉग्स में आपने बीचेस देखे होंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो गोकर्णा के. एंड इवन उन बीचेस में आप जा सकते हो, मस्ती कर सकते हो, थोड़े रुक सकते हो, बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो. लोकल पीपल कन्नड़ लैंग्वेज के ज़्यादा मिलेंगे आपको. मैं रुकी हूँ, रुकी थी एक्चुअली कोकोनट ट्री रिजॉर्ट के साथ. और आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, मैंने दो ब्लॉग्स में इस प्रॉपर्टी को मेंशन करा है, इसके रूम मेंशन करा है, तो देख के बताओ ये प्रॉपर्टी आपको कैसे लगी अगर अब तक नहीं देखा. फिलहाल चलते हैं, नाश्ता स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11 और अभी भी रास्ते में बहुत कुछ कवर करते हुए जाना है. तो भैया गेव अस सो मेनी नारियल पानी, मतलब चार नारियल पानी और दो हम पीने वाले हैं. मतलब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है मॉर्निंग में नारियल पानी, मतलब उठते ही पी सकते हो, वो भी फ्रेश पेड़ से तोड़ के. एग्जैक्टली तोड़वा के हम लोग नहीं चढ़ सकते पेड़ पे, लिटरली नहीं नहीं. हमने कल ट्राई किया था टेढ़े पेड़ पे चढ़ने का. टेढ़े पेड़ पे चढ़ने का फिर क्या हुआ, तुम तो ऊपर शॉर्टकट मार गए और तू डर डर के चढ़ गई थी. रमन मेरे को हाथ दे, रमन मुझे हाथ दे, मैं समझ सकता हूँ. सो गाइस हमारा जैसे कि रास्ता जो है वो 4 घंटे का है एंड वी आर गोइंग टू स्टे से बाय टू गोकर्णा नाउ बिकॉज इट्स ऑल लाइक गोन, इट वाज इन मेमोरीज. अब और मेरी व्लॉग्स के अंदर मैं फिर वापस आऊँगी कि देयर इज सो मच स्टिल लेफ्ट टू एक्सप्लोर. ऐसा लगता है किसी जगह को जानने में ना तो मैं एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एटलीस्ट महीने चाहिए. सो वी आर गोइंग टू वर्ड सर्फिंग एंड हम थोड़ा सा लेट हैं, हमें 4 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में. अनदर प्लेस वी आर गोइंग, दिस सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एंड एवरी वन नो कि वो कौन सा है. अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली व्लॉग में जुड़ा रहा, उसको दिख ही जाएगा. सो गाइस मैं एंटर करने जा रही हूँ जो यहाँ का मतलब यू नो ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे सेकेंड हाइयर शिवा, लॉर्ड शिवा का मतलब टेम्पल है. अगर आपको नहीं पता तो ये मुडेश्वर में है और ये गोकर्णा से मुझे 1.5 घंटा पड़ा है. सो गाइस फाइनली रीचिंग टू दिस ब्यूटीफुल टेम्पल और पता नहीं कितनी मंजिल का है बट ऊपर जाने का रास्ता है, लिफ्ट जाती है ऊपर की तरफ जिससे आप व्यू देख सकते हो अरेबिक सी का. लेट्स गो इनसाइड. कैसे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से, हवेरी से, हवेरी, हवेरी कहाँ पर है, कर्नाटक, कर्नाटक में, दिल्ली से आए हो, हाँ दिल्ली से आए हो, कौन सी क्लास में हो, 7th, 7th, 6th क्लास में, 4th, 7th, बाय बाय, बाय, बाय. सो गाइस मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है ना, मतलब जो ये एंट्रेंस है नॉट द बिल्डिंग, इसके अंदर पूरी लिफ्ट है जो कि आपको ऊपर तक ले जाती है एंड मैनी पीपल स्टैंड इन लाइन फॉर आवर्स जस्ट टू टेक द दर्शन ऑफ, मतलब यू नो नॉट द दर्शन इवन कि मूर्ति को एक्चुअली सामने से देखना. और उसके अलावा यहाँ से आपको जो व्यू दिखता है सी का वो बहुत गजब होता है ऑब्वियसली. मतलब ये जगह अगर आप कहूँ ना सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग्स अगर आप ये जगह मतलब अगर सी एरिया को ज़्यादातर विजिट करना चाहते हैं. सो बेसिकली हमने रूट लिया ओडीपी वाला और डिस्कवर किया ये ब्यूटीफुल बीच और खाया वड़ा पाव यहाँ बैठकर. समुद्र की लहरों का बैठने का मज़ा कुछ और ही है जैसा कि आप लोगों को पता है. अगर आप लोगों ने अब तक फील नहीं करा तो दिस इज़ समथिंग द बेस्ट प्लेस फॉर यू एंड आई मोस्टली प्रिफर रोड ट्रिप ताकि मैं बहुत कुछ कवर कर पाऊँ. बहुत प्यारा लगता है जब आप एक शोर पर खड़े हो तो पानी आपके पैरों को टच कर रहा हो, वो फील ही अलग होती है. इवन वो साइड में बैठ के सनसेट का व्यू लेना और थोड़ी थोड़ी अपने आप से गुफ्तगू करना, ये पल ही बहुत सुंदर होता है.
कुछ शिकायत करना, कुछ बातें करना, कुछ अपने आप को समझाना, कुछ अपने आप से लड़ना। क्या आपने इस चीज़ का मज़ा लिया? सो गाइस, हम रुके थे यूडीपी में और हम लोगों ने शॉर्ट के चक्कर में अपने कपड़े हिले कर दिए। नमन, तुम्हारा मन नहीं भरा है, फोटो लियो। एक और फोटो देखो, सुन मैम, फोटो प्लीज। ये लाइट फाइन देखो फिलहाल गाइस, टाइट बहुत हैवी है और लिटरली ये तो आपके पैरों तक आ रहे हैं। 3, 2, 1 गाइस, मैं पहुंचते हुए मुल्की और मेरा रूम है ये मुझे रूम मिला है, ये ना मेरा बैग और ये रूम है मेरा कम से कम कितने दिनों के लिए, ये अराउंड मेरा रूम है 3 से 4 दिन बिकॉज उसके बाद मुझे घर जाना है। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी ये एक्टिविटीज़ होती है एंड मॉर्निंग सेशन। अच्छा, सर्फिंग का 8 बजे है तभी ये लोग मुझे 6:30 उठने के लिए कह रहे हैं, जैसे 6:45 निकल लेंगे हम लोग। एंड दिस इज मी, ऑब्वियसली थोड़ा सा पेट बाहर निकल चुका है दिस बिकॉज आई लुक रेस्टलेस, माई गॉड। फिर भी मैं रेस्ट करते हुए भी रेस्टलेस हो चुकी हूँ। फिलहाल मैं आपको अपना वॉशरूम शो करती हूँ। दिस इज कैनवस पेंटिंग, दिस इज दी वॉशरूम। इसमें कोई लाइट नहीं है, लाइट ऑन करनी पड़ेगी, लाइट कहाँ से ऑन होती है। एंड दिस इज माई वॉशरूम और दिस इज द टॉयलेट। Hope you people like my room and I'm ka vlog main yahi khatam karti hu. Thank you so much for watching my vlog. I'll see you tomorrow with a new vlog and stay tuned because giveaway is still on 10,000 subscribers. Most probably, let's see 10,000 touch honge, there is a huge giveaway. Thank you for watching. Goodbye.